तो ज़्यादा दूर नहीं जाना मुझे, बस नज़दीक नज़दीक ही जाना है, यहाँ से थोड़ा दूर पे। तो आधे से ज़्यादा खूम लगा लिया हमने मम्मी से, तो फाइनली गाइस हमने लगा लिया खूम। और तो बच्चे ला रहे हैं मेरे लिए बना के खाना, क्या है इसमें? क्या ये हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज की व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं सुबह के 9 बजे से स्टार्ट। तो आज मैं घर ही में हूँ, इसलिए मैं आज व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और अभी जाऊँगा मैं घास के लिए। तो आजकल पहाड़ों में बात करें तो आजकल झुंगरा की कटाई चल रही है। तो ये है आगे पूरा झुंगरा, और परसों हमने झुंगरा की दही कर ली थी, और ये रहे सारे कट्टे में झुंगरा। और अभी मैं जा रहा हूँ जो झुंगरा का मतलब कि घास होता है उसे काटने के लिए और उसे लाने के लिए। और ये दादी यहाँ पर, तो मम्मी जी गई है खेत में, तो मैं जाऊँगा खाना लेके, नाश्ता लेके। तो ये रहा बोतल, इसमें पानी लेके आता हूँ मैं। तो अभी मैं चलता हूँ पानी भरने के लिए 2 बोतल में, क्योंकि एक से होगा नहीं, क्योंकि आज बहुत धूप तेज़ धूप पड़ रही है। तो ये हमारा लाइटिंग बाथरूम है, तो चलते हैं अंदर पानी भरने के लिए। तो भर लिया मैंने 2 बोतल पानी किए। तो चलते हैं खेत की, और इसमें रख लिया मैंने खाना, ये पानी की बोतल और ये रस्सी घास के लिए। तो चलते हैं। तो आज मौसम की बात करें तो आज साफ मौसम हो रखा है, और ये धूप देख सकते हैं आप, बहुत तेज लग रही है। यहाँ पर हो रखा कोदा, जिसे कि हिंदी में मंडवा बोलते हैं, और इसकी रोटी बनाई जाती है। तो फाइनली गाइस पहुंच गया मैं खेतों में मम्मी के लिए रोटी लेके, और यहाँ पर मम्मी और चाची बैठ रही हैं। तो मौसम मस्त हो रहा है, यहाँ पर खेत है आगे, पूरे लोग हल लगाने लग गए हैं, देख सकते हैं आप कितने मस्त लग रहे हैं खेत। तो अभी हम खा रहे हैं यहाँ पर खाना, और मैंने खा लिया और मम्मी खा रही है खाना। तो धूप लग रही है बहुत तेज। तो इधर हो रखा कोदा जो कि मंडवा, और इधर हो रखा था झुंगरा जो कि काट दिया है और उसके घास उगाने के लिए रखे हैं। तो हम इसको इकट्ठा करेंगे एक जगह पे और पेड़ पे लगाएंगे, अभी दिखाएंगे आपको सब प्रक्रिया। तो जैसे पीछे लग रखे हैं ऐसे लगाएंगे पेड़ पे, हम भी इकट्ठा करेंगे एक जगह पे। तो हम लगाएंगे पेड़ पे, और ये पीछे मम्मी तो मुकेश आ रखे यहाँ पर ग्वाला अपने बैलों का। तो यहाँ पर बहुत सारे ठिठकान रखे हुए हैं, हिंदी में पता नहीं से क्या बोलते हैं, और कमेंट में बताना क्या बोलते हैं इसे है। तो गांव के कुछ लोगों ने हल भी लगा लिया है। तो अभी हम जिस जगह पर आए हैं इसे लंबाड़ी बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबे लंबे मतलब दूर दूर तक खेत हैं, यहाँ से लेके जो वहाँ दिख रहे हैं लोग वहाँ तक पूरे एक ही खेत है एक ही खेत पर अलग अलग लोगों के हैं, और ये डिवाइड करता है एक पत्थर के माध्यम से। तो ये जो पत्थर लगा हुआ है इसे बोलते हैं वॉर, जो कि डिवाइड करता है ये और किसी का खेत है और ये और किसी का है। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना मुझे, बस नज़दीक नज़दीक ही जाना है, यहाँ से थोड़ा दूर पे।
तो ले आए हमें घास को, जिसे कि गढ़वाली भाषा में नहीं वो बोलते हैं। तो दोबारा चलते हैं घास के लिए, और इसके बाद सीधे आपको बाद में दिखाएंगे जब हम घास को एक साथ लगाएंगे पेड़ पे, जिसे कि गढ़वाली भाषा में खूम बोलते हैं। गाइस पसंद से बुरे हाल हो चुके हैं, अभी तक पी नहीं रखे मैंने, वो पानी पीते थोड़ा, तो ये पानी ऊपर रखा है हमने ऊपर टंका के। तो मम्मी चढ़ चुकी है पेड़ पर घास को लगाने के लिए, और मैं नीचे से दूंगा घास। बहकी सभी जुबां है हम है हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम्हारे। तो आधे से ज्यादा खूम लगा लिया हमने, मम्मी चढ़ी है पेड़ पर, और नीचे भी कोई लगा रहे हमारे गांव वाले, उन्होंने भी लगा दिया है। देखो पेड़ से किस प्रकार नीचे को आ रहे हैं, ऊपर रस्सी बांध दिया पहले, उसके बाद उससे लटक के, क्योंकि यहाँ से बहुत ऊंचा हो जाता है। तो फाइनली गाइस हमने लगा लिया खूम, और यहाँ पर अभी हम खा रहे खीरा, ये रहा खीरा, मम्मी भी खा रही है। अब लगाते हैं हम दूसरा। तो बड़ी मशक्कत के बाद हमने लगा लिया दो खून, एक ये रहा एक ऊपर लगाया था। अब चलते हैं, दिन के बज चुके हैं दो, और लंच करने का टाइम भी हो चुका है, तो चलते हैं घर की ओर। पैर पर कितने सारे चिपक चुके हैं, कांटे कुमरे कुमरे बोलते हैं उनको गढ़वाली में। तो ये एक पता नहीं क्या है, इसे गढ़वाली में सूत बोलते हैं, ये तो ठटकान भी बोलते हैं, और ये डिजाइन के काम भी आता है, कई जगह पर देखा होगा आपने। ये निकलता है चीड़ के पेड़ से, ये मतलब एक फल की तरह है, इसके अंदर एक छोटा सा बीज होता है, उसे हम पका के खा सकते हैं। तो मैं जा रहा था खाली घर, मम्मी ने कहा इसे भी ले जाओ, वैसे भी हालत ख़राब हो चुकी है। पहले वहाँ से घास लाए सारा, इतना सारा ये जितना आपको दिख रहा है, उसके बाद इसे ऊपर दिया, और एक नीचे भी है उसे भी, पहले वहाँ से घास सारा उसके बाद वहाँ रखा, और पूरा यहाँ पर खेत सुनसान हो चुके हैं, क्योंकि सब घर चल चुके हैं, दिन भी हो चुके हैं। तो शाम के बज चुके हैं 5, और मैंने खाना खा के मैं सो गया था, तो अभी उठ चुका हूँ मैं, अब तो देखता हूँ जाता हूँ कि नहीं खेत में। अब वैसे भी सिस्टर दीदी आ चुकी है, तो पीछे आंसी है यहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे, और पीछे ताई लोग बंद कर रहे हैं उसका। तो बच्चे ला रहे हैं मेरे लिए बना के खाना, क्या है इसमें? क्या ये क्या जो अंगूर 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 खाएंगे। अंगूर बनाते कभी गैस में? हाँ अच्छा जी। तो बच्चों के साथ खेलता हूँ मैं थोड़ा फुटबॉल, मार। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर घर में अपने, जहाँ के हमारे बैल रहते हैं, और ये पीछे रहे बैल खैरा, और ये गोरा नाम है इसका।
तो यहाँ से ले जाता हूँ सब्बल और इनके लिए कील ठोकना है, तो चलते हैं। तो बैलों को बांधने के लिए यहाँ पर कील चाहिए, तो ये रहा खड्डा और यहाँ पर इसे थोड़ा और गहरा करना है, इसे मिट्टी निकालनी और ये डालना इसमें, उसके बाद बैलों के बांधने के लिए हो जाएगा बाहर पे बैठ उनके रहने के लिए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ठोक लिया मैंने इसे अच्छी तरीके से, अभी हिल नहीं रहा उतना, अब चलते हैं घर की ओर। तो अभी चलते हैं घास के लिए। ओ भाई दादी जा रही थी नीचे, तो दादी ने कहा कि नीचे आ जाना घास के लिए। ये जगह का नाम है बिजली लाखड़ों, बोलते हैं हम इसे, पता नहीं किस बेसिस पे रखते हैं यहाँ लोग खेतों के नाम, ये तो मुझे भी नहीं पता। कई नाम है, जैसे हो गया दाड़ी झिनड़ हो गया और साज हो गया। तो अब चलते हैं नीचे, और इधर है भैंसों के लिए पानी पिलाने के लिए, बैलों के लिए। तो आज ढंग से दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। तो यहाँ ऊपर से आता है पूरी नहर से लगा रखे गदेरे तक, और सीधे पानी निकाल रखा है यहाँ तक, और पाइप भी फूट रही है इधर को, तो यहाँ से पानी आ रहा है और सीधे इसमें, उसके बाद इसमें इसमें भैंस पानी पीते हैं, क्योंकि इसलिए ऊंचा बनाया गया है जैसे भैंस पानी पी ले, और ये थोड़ा नीचे को है तो यहाँ से पानी मतलब भैंसों को नहलाते हैं और उन पर पानी फेंकते हैं। अब चलते हैं घास के लिए नीचे, दादी है। तो ये रहा घास दादी ने रख लिया, तो दादी जा रही ऊपर, अब चलते हैं घर की ओर, अंधेरा भी होने वाला है। तो रख लिया मैंने यहाँ पर घास, और दिनों में इतनी खुशली से हो रही है। चुप छुपाए ऐसी जी हम न पाए, आज का व्लॉग करते हैं एंड आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने ठीक बना रखा था मुझे लग रहा है आज, क्योंकि लंबा मैंने। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।